गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है थर्मस फ्लास्क। इसमें हम लोग थर्मस फ्लास्क के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है और ये करता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, जाड़े के दिनों में थर्मस में जब हम पानी रखते हैं, गर्म पानी, तो वो बहुत देर तक गर्म बना रहता है। और अगर गर्मियों के दिन में उसमें ठंडा पानी रख दें तो वो भी बहुत देर तक ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है उस फ्लास्क का, कि वो ना तो हीट को अपने अंदर से बाहर जाने देता है और ना ही बाहर के हीट को अंदर जाने देता है। तो जिससे कि गर्म पानी गर्म ही रहता है और ठंडा पानी ठंडा ही रहता है। अब देखते हैं इसको डिटेल में कि ऐसा क्या, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से रहता है और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ताकि ये इस तरीके का काम कर पाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, तीन तरीके से हीट का आदान प्रदान होता है। फर्स्ट है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं तीन तरीके से ही हीट जो है कहीं से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचेगा। अब ये थर्मस इस तरीके से डिज़ाइंड होता है कि वो इन तीनों तरीके से जो हीट का ट्रांसफ़र है उसको रोक देता है बस। अब जब हीट का ट्रांसफ़र ही रुक गया तो गर्म पानी गर्म ही रहेगा और ठंडा पानी ठंडा ही रहेगा। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यह है कंप्लीट डायग्राम थर्मस फ्लास्क का। इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे बना हुआ है और किस किस तरीके से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को रोकता है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने थर्मस को खोल के देखा हो तो उसके अंदर एक शाइन करता हुआ शीशे का एक ग्लास होता है, जिसको बोलते हैं डबल वॉल्ड ग्लास कंटेनर। सबसे इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट जो है थर्मस का वही है। तो ये जो पार्ट है ये है डबल वॉल्ड ग्लास कंटेनर, ये जो दिख रहा है ना, ये इसमें डबल वॉल्ड का मतलब ये दो दीवार होती है, मतलब दो लेयर्स होता है। एक लेयर ये हो गया, एक आउटर लेयर ये हो गया, ये दो लेयर से मिलके बना होता है, एक ग्लास का कंटेनर होता है। और इन दोनों लेयर के बीच में ये बीच में खाली जगह होता है, बिल्कुल मतलब कह सकते हो वैक्यूम, इसके अंदर होता है वैक्यूम, ना एयर प्रेजेंट होता है ना कोई भी चीज़ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल वैक्यूम कर देते हैं इसके अंदर से और एयर को निकाल देते हैं। तो अगर आप लोग मार्केट जाके और थर्मस ख़रीदते होंगे तो उसको चेक करने का ये तरीका होता है कि इसका ढक्कन खोल को और इसको अगर कान के पास लगाएंगे तो इसमें से हमिंग साउंड आएगी, एकदम करके इस तरीके से एक साउंड आएगा इसके अंदर से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से सील्ड पैक्ड होता है। सील्ड पैक होने के कारण अगर वो हमिंग साउंड नहीं आ रहा था, समझिए कि वो थर्मस जो है वो ख़राब है, कहीं से लीकेज है, कहीं से उसमें एयर इंटर कर रहा है। ठीक है, वापस आते हैं इस पर। अब ये क्या होता है, पूरा इसके अंदर होता है वैक्यूम। ये जो डबल वॉल्ड ग्लास ट्यूब ग्लास कंटेनर, इसके अंदर ये पूरा वैक्यूम होता है। वैक्यूम होने की वजह से यहाँ से कोई भी कंडक्शन नहीं हो पाता, हीट का कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि कंडक्शन होने के लिए हमेशा क्या चाहिए हमें, एक मीडियम चाहिए होता है। मीडियम होगा तभी वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होगा थ्रू कंडक्शन। तो ये वैक्यूम होने की वजह से इसका जो कंडक्शन रुक जाता है, मतलब हीट, अब इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है ये क्या है, गर्म है। मान लीजिए ये लिक्विड गर्म है, इसकी हीट जो है निकल के क्या होगा, बाहर जाना चाहेगा, लेकिन जैसे ये इस वॉल से टकराएगा तो यहाँ क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम है तो इसको ये पार ही नहीं कर पाएगा, कंडक्शन होगा तभी तो ये उसके थ्रू जो वाइब्रेट करके हीट को इस लेयर से इस लेयर तक लेके जाएगा, लेकिन ये बीच में क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम होने की वजह से ये हीट इस पार नहीं जा पाएगा, वो हीट रुक जाएगा वहाँ पे। तो पहला जो है कंडक्शन को रोकता है कौन सा, इसके अंदर का जो है वैक्यूम। दूसरा देखिए, अब इसका जो अंदर का दीवाल होता है, ये वाला जो दीवाल है, ये वाला, ये बहुत शाइन करता होता है। जब आप इसका ढक्कन खोल के ऊपर से देखेंगे तो अंदर का पूरा जो है पोर्शन वो शाइनिंग कलर का दिखेगा, सिल्वरी कलर का दिखेगा। वो सिल्वर कलर का पेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे हीट को, जितना भी हीट ये इसके अंदर का जो हीट है, ये जैसे मान लीजिए इधर से ये भागना चाहेगा, ठीक है, जैसे ये इसे टकराएगा, ये सिल्वर कलर होने के कारण, सिल्वर कलर क्या होता है, एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। तो जैसे इसे टकराएगा ये उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, ये जैसे टकराएगा इसको वापस हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, इधर से ये जैसे टकराएगा ये वापस रिफ्लेक्ट। अब ये क्या होगा कि हीट जो है बार बार इसे टकरा के बाहर तो जाना चाहेगा लेकिन रिफ्लेक्ट होकर फिर अंदर ही रह जाएगा, तो अंदर का हीट अंदर ही टकरा टकरा के बार बार वो अंदर ही रह जाएगा। तो दूसरा क्या, ये सिल्वर कलर कर रहता है, जिसके वजह से हीट का जो लॉस है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो बार बार इससे
टकरा के और अंदर रह जाता है, दूसरा इस तरीके से रोकता है। और उसके बाद क्या है, एक बाहर से आउटर केस होता है, इसके बाहर एक आउटर केस होता है, वो मोटा सा एक थिक लेयर होता है। उस थिक लेयर का काम है, अब जो आउटर लेयर का है ये क्या करता है, एक थिक इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये ग्लास बहुत ज़्यादा जो है डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ये टूट सकता है, तो इसको एक प्रोवाइड करता है इंसुलेटिंग, ये जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल के भी तरह काम करता है, और इसको प्रोटेक्शन का भी काम प्रोटेक्शन भी देता है, इसको टूटने से बचाने के लिए भी रहता है। और ये बहुत मोटा होता है, ग्लास का उसका होता है, प्लास्टिक का होता है, तो ये जो आउटर केस है वो प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर वो होता है जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र ना होने दे। तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत हीट यहाँ से यहाँ इस लेयर तक आ भी गया इस यहाँ पे, तो ये प्लास्टिक का जो लेयर है पूरा आउटर केसिंग ये जो है पूरा का पूरा, ये हीट को बाहर जाने नहीं देगा। तो इस तरीके से ये सब मिलजुल के हीट को अंदर ही रोके रहते हैं। सिमिलरली अगर इसके अंदर ठंडा पानी डाल दिया जाए, तो ठंडा पानी डाल दिया तो बाहर का हीट जो है एटमोसफेयर का वो अंदर जाके इसको गर्म करने का कोशिश करेगा, लेकिन ये इतने सारे यहाँ पे लेयर्स होने के कारण वो बाहर का हीट भी सिमिलरली उसी प्रोसेस के तहत अंदर नहीं जा पाता है, तो जिसके वजह से इसके अंदर रखा हुआ पानी गर्म का गर्म रहता है और ठंडा का ठंडा रहता है। लास्ट में क्या होता है, ऊपर जो कैप होता है इसका, जो ढक्कन होता है, ढक्कन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो लिड लिड जो जिसको बोलते हैं ढक्कन को, उसमें भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल एक रबर का वो सीलेंट कहते हैं, सील कर देता है पूरी तरीके से उसके मुंह को, वो ढक देता है, पैक कर देता है, ताकि वहाँ से कोई एयर इंटर ना करने पाए, तो ऊपर से भी हीट का कोई लॉस नहीं होता है। तो सम अप कर लेते हैं इसको एक बार, देखिए सबसे पहला क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन को कौन रोक रहा है, जब यहाँ से हीट निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर का जो वैक्यूम है, वैक्यूम होने की वजह से कंडक्शन होगा ही नहीं, तो ये वैक्यूम जो है वो किसको रोकता है, कंडक्शन को, कंडक्शन के मोड से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको रोक देता है कौन, वैक्यूम। ये जो ग्लास के अंदर का जो वैक्यूम होता है वो रोकता है कंडक्शन के थ्रू हीट के लॉस को। सेकंड क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन देखिए इसके अंदर जो सिल्वर कलर की पॉलिश की गई है, सिल्वर कलर की पॉलिश जो की गई है वो क्या करता है, इसके रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो जो सिल्वर कलर की पॉलिश है वो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को रोक देता है। तीसरा आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी कि जब ये गर्म होगा, ये लिक्विड गर्म होगा, तो इसकी हीट जो है ऊपर की तरफ उठती हुई जाएगी, ठीक है। तो जब इसके अंदर का जो एयर है, इस लिक्विड के ऊपर का जो एयर है वो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे ही उस इस एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और वो गर्म एयर इसके थ्रू बाहर निकलना चाहेगा, तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, स्टॉपर। स्टॉपर जो बना होता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, ऊपर एक कैप भी लगा होता है प्लास्टिक का, और कैप जो है इसके मुंह के पास पूरा एक तरीके से एक रबर का पैड होता है, वो पूरी तरीके से सील कर देता है, जो कि इसके अंदर के हवा को बाहर जाने ही नहीं देता। तो जो ये हवा गर्म भी हो गया इसके अंदर वो बाहर ही नहीं जा पा रहा है, यानी कि कन्वेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो कन्वेक्शन को रोक दिया ये कौन, कैप। कैप जो है कन्वेक्शन को रोक दिया, तो इस तरीके से कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी रुक गया इसके अंदर का। तो ये तीनों मिलकर, जब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र रोक दिया जाएगा, तो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो अंदर की चीज़ें गर्म ही रहेगी। तो ये था कंप्लीट थर्मस फ्लास्क का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे सारा।